friends, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to study video number 9 from lesson number 4, The Rat Trap, Chuhe Daan. नामक पाठ की वीडियो नंबर 9 में आपका पुनः स्वागत है. पैसेज को पढ़ने से पहले थोड़ा सा इस वीडियो नंबर 8 के बारे में थोड़ा सा बताना चाहते हैं. जब लोह व्यापारी ने अपनी पुत्री से कहा, जो मेज पर भोजन कर रही थी, क्या कहा कि हमें ये देखना है सबसे पहले तो इस चूहेदान बेचने वाले व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए और फिर हमें ये देखना है कि उसे इस चूहेदान बेचने के कार्य को, जिसे वह गांव-गांव जाकर के करता है, को छोड़कर के किसी दूसरे कार्य को करना चाहिए. फिर उससे क्या होता है, इट इज क्वियर दैट थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद हिम एज बैडली एज दैट, सेड द डॉटर. सेड द डॉटर, पुत्री ने कहा, लोह व्यापारी की बेटी ने कहा, इट इज क्वियर, यह विचित्र बात है, यह बड़ा संयोग है. क्वियर मीन्स विचित्र, स्ट्रेंज. यह बड़ी विचित्र बात है, यह बड़ा संयोग है कि थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल. थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल का मीनिंग है मिसफॉर्चून हैज क्रस्ड हिम. मिसफॉर्चून, दुर्भाग्य ने हैज क्रस्ड हिम, उसे कुचल दिया है. यहाँ थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल का मीनिंग है कि दुर्भाग्य ने उसे कुचल दिया है. विद हिम, उसे कुचल दिया है, एज बैडली एज दैट, बुरे तरीके से. अर्थात वह चूहेदान बेचने वाला व्यक्ति किस्मत का बहुत बड़ा मारा हुआ है या मारा हुआ व्यक्ति है. लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक देयर वॉज एनी थिंग अबाउट हिम टू सो दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन. लास्ट नाइट, गत रात्रि, कल रात, आई डिड नॉट थिंक, मैं नहीं सोचती, मैं विचार नहीं करती, या मुझे ऐसा नहीं लगता कि देयर वॉज एनी थिंग अबाउट हिम टू सो, कि उसके बारे में कोई ऐसी चीज है जिससे लगता हो. किसके बारे में? उस अजनबी व्यक्ति के बारे में. लोह व्यापारी की पुत्री कहती है कि कल रात, आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोचती या मुझे नहीं लगता, देयर वॉज एनी थिंग अबाउट हिम, कि उसमें कोई ऐसी चीज है, टू सो, जिससे ऐसा लगता हो, दिखाई देता हो, दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन. That की he had once, की वह एक बार, been रहा, an educated man, एक शिक्षित व्यक्ति, कि वह एक बार पढ़ा लिखा व्यक्ति रहा है, ऐसा उसमें देखने के लिए कुछ भी मुझे दिखाई नहीं देता है. मैं इस बात को सोचती हूँ कि वह किसी पढ़े लिखे समाज का अंग है, ऐसा उसको देखने से मालूम नहीं होता या लगता नहीं है, प्रतीत होता नहीं है, क्योंकि वह व्यक्ति बड़ा ही असभ्य है, फटे पुराने कपड़े पहने हुए था. उसको देख करके लोह व्यापारी की पुत्री ने ऐसा उसके बारे में सोचा. यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल, सेड द फादर. फादर ने कहा, पिता ने कहा, उस नव युवती के पिता ने कहा. पिता कौन था? लोह व्यापारी. लोह व्यापारी ने कहा, माई लिटिल गर्ल, मेरी छोटी बच्ची, मेरी छोटी पुत्री, यू मस्ट हैव पेशेंस. पेशेंस मीन्स धैर्य. तुम्हें
धैर्य रखना चाहिए। एज सून एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड अप यू विल सी समथिंग डिफरेंट। एज सून एज ज्यो ही गेट्स क्लीन, वह साफ सुथरा हो जाएगा। एंड ड्रेस्ड अप, और कपड़े पहन लेगा, साफ सुथरे कपड़े पहनेगा, तो यू विल सी समथिंग डिफरेंट, तो तुम्हें कुछ अलग दिखाई देगा। वह अजनबी व्यक्ति आपको कुछ अलग ही दिखाई देगा जब वह साफ सुथरा हो जाएगा और सुंदर कपड़े, साफ सुथरे कपड़े पहन लेगा। लास्ट नाइट ही वाज नेचुरली एम्बेरेस्ड। गत रात्रि, पिछली रात, ही वाज, वह था, नेचुरली में स्वाभाविक रूप से, एम्बेरेस्ड असेम्ड, शर्मिंदा। गत रात्रि वह स्वाभाविक रूप से शर्मिंदा था। द ट्रम्प मैनर्स विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रम्प क्लोथ्स। आगे लोह व्यापारी कहता है, द ट्रम्प मैनर्स, ट्रम्प मिस होता है आवारा गर्द, घुमक्कड़, आवारा, मैनर्स मिस आचरण, चालचलन, ढंग, तौर तरीके, आवारा गर्द का आचरण, जिसे कहें हम एक शब्द में आवारापन, विल फॉल अवे, फॉल अवे मीन्स डिसअपियर, एंड, एंड मीन्स समाप्त हो जाएगा, डिसअपियर गायब हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, फ्रॉम हिम उस अजनबी व्यक्ति में से, उस अतिथि में से, विद द ट्रम्प क्लोथ्स, आवारा गर्द कपड़ों के साथ, जैसे ही वह आवारा गर्द कपड़ों को उतार करके नए सुंदर साफ सुथरे कपड़े पहनेगा, उसका आवारापन भी समाप्त हो जाएगा या दूर हो जाएगा। फॉल अवे, जैसे हमने बताया, डिसअपियर या एंड, ई एन डी, लेकिन जैसे ही वह आवारा गर्द कपड़ों को उतार करके डाल देगा, फेंक देगा और नए कपड़े पहन लेगा, तो उसका आवारापन भी समाप्त हो जाएगा। ऐसी जस्ट एज ही सेड दिस द डोर ओपन्ड एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड। जस्ट एज ही सेड दिस, जस्ट जैसे ही सेड दिस, उसने ये बात कही, किसने, लोहो व्यापारी ने, जैसे ही लोहो व्यापारी ने ये बात कही, द डोर ओपन्ड, दरवाजा खुला, एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड, और वह अजनबी व्यक्ति अंदर आया, अजनबी व्यक्ति ने प्रवेश किया, एंटर्ड में प्रवेश किया, यस हाँ, नाउ ही वाज ट्रूली क्लीन, यस हाँ, नाउ अब, ही वाज ट्रूली, ट्रूली मीन्स वास्तविक रूप से, अब वह वास्तव में क्लीन मीन्स साफ सुथरा था, गंदा नहीं था, एंड वेल ड्रेस्ड, और अच्छी प्रकार से कपड़े पहने हुए था। कौन, अजनबी व्यक्ति, अतिथि, अतिथि कौन था, अजनबी व्यक्ति कौन था, चूहे दान बेचने वाला व्यक्ति। दी वैली हैड बेथ्ड हिम, कट हिज हेयर एंड शेव्ड हिम। दी वैली मीन्स नौकर, सर्वेंट, हैड बेथ्ड हिम, बेथ्ड मीन्स स्नान कराया, हिम उसको, नौकर ने उसे स्नान कराया, उसे नहलाया, कट हिज हेयर, उसके बाल काटे, एंड शेव्ड हिम, और उसकी दाढ़ी बनाई। मोर ओवर ही वाज ड्रेस्ड इन अ गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लोथ्स विच बिलोंग्ड टू द आयरन मास्टर। मोर ओवर, इसके अतिरिक्त, बिसाइड्स इट, इसके अतिरिक्त, ही वाज ड्रेस्ड, वह पहने हुए था, इन ए गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लोथ्स का मीनिंग है सुंदर कपड़े, गुड लुकिंग, सुंदर,
सूट्स ऑफ क्लोथ्स, कपड़े, वह सुंदर कपड़े पहने हुए था। इसके अतिरिक्त वह सुंदर कपड़े पहने हुए था विच बिलोंग्ड टू द आयरन मास्टर, जो उस लोहो व्यापारी के थे। उसने उस लोहो व्यापारी के सुंदर कपड़ों को पहन रखा था उस अजनबी व्यक्ति ने, उस अतिथि ने। ही वोर ए वाइट शर्ट एंड अ स्टार्च्ड कॉलर एंड होल शूज। ही वोर, वह पहने हुए था ए वाइट शर्ट, एक सफेद कमीज, एंड स्टार्च्ड कॉलर। स्टार्च कहते मांडी लगा हुआ या कलफ लगा हुआ, कलफ लगे हुए कॉलर वाली सफेद कमीज, एंड द होल शूज, और नए जूते पहने हुए था। वह अजनबी व्यक्ति मांडी लगा हुआ कॉलर, लगे हुए कॉलर वाली सफेद शर्ट और नए जूते। Although his guest was now so well groomed, the iron master did not seem pleased. परंतु यद्यपि हिज गेस्ट, उसका अतिथि, उसका मेहमान, वाज नाउ, अब था, सो वेल ग्रूम्ड, बड़े अच्छे ढंग से कपड़े पहने हुए था, बनाव श्रृंगार किए हुए था, बहुत ही सुंदर लग रहा था, अच्छे प्रकार से कपड़े पहन रखे थे, फिर भी द आयरन मास्टर, लोहो व्यापारी, डिड नॉट सीम, प्रतीत नहीं हुआ, प्लीज्ड, खुश, फिर भी लोहो व्यापारी खुश नहीं लग रहा था, खुश प्रतीत नहीं हुआ। ही लुक्ड एट हिम विद पकर्ड ब्रो। बट ऑल दो हिज गेस्ट वॉज नाउ सो वेल ग्रूम्ड, परंतु यद्यपि उसका अतिथि, उसका मेहमान, अब इतने अच्छे तरीके से कपड़े पहने हुए था, फिर भी द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड, फिर भी वह लोह व्यापारी खुश नहीं लग रहा था। ही लुक्ड एट हिम विद पकर्ड ब्रो। ही लुक्ड, उसने देखा, एट हिम, उसकी ओर। किसने किसकी ओर देखा? लोहो व्यापारी ने अपने अतिथि की ओर देखा विद पकर्ड ब्रो। पकर्ड ब्रो कहते हैं सिकुड़ी हुई भौं के साथ, विद गैदर्ड आईब्रो, यानी कि उसने सिकुड़ी हुई भौं के साथ, किसने? लोहो व्यापारी ने। लोहो व्यापारी ने सिकुड़ी हुई भौं के साथ उस अतिथि को देखा। एंड इट वॉज इजी टू अंडरस्टैंड दैट वेन ही हैड सीन द स्ट्रेंज फेलो इन द अनसर्टेन रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फर्नेस ही माइट हैव मेड अ मिस्टेक। एंड इट वॉज इजी टू अंडरस्टैंड, अब ये बहुत ही शीघ्र समझ में आ जाएगा, या ये बहुत ही सरल बात है कि when he had seen, जब उसने देखा था the strange fellow, उस अजनबी व्यक्ति को, in the uncertain reflection, uncertain reflection कहते हैं fade light, मंद प्रकाश में, from the furnace, भट्टी के। ये समझना बहुत ही आसान है, या ये शीघ्र ही समझ में आ जाएगा कि when he had seen the strange fellow, जब उसने अजनबी व्यक्ति को देखा in the uncertain reflection, मंद प्रकाश में, धीमे प्रकाश में, हल्के प्रकाश में, from the furnace, भट्टी के, जब उसने उस अजनबी व्यक्ति को भट्टी के मंद प्रकाश में देखा, तो he might have made a mistake, तो उसने गलती की, but that now, परंतु अब,
When he stood there in broad daylight, it was impossible to mistake him for an acquaintance. When he stood, जब वह खड़ा हुआ है, there वहाँ उसके सामने, in broad daylight, दिन के प्रकाश में, परंतु अब जब वह परंतु अब जब वह उसके सामने दिन के प्रकाश में खड़ा हुआ है तो इट वॉज इम्पॉसिबल तो ये असंभव है टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस टू मिस्टेक मीन्स गलत समझना हिम उसे फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस ओल्ड मीन्स पुराना एक्वेंटेंस में परिचित तो उसे पुराना परिचित समझ लेने की गलती करना असंभव था क्योंकि वह दिन के समय में दिन के प्रकाश में उसके सामने खड़ा हुआ था तो गलती कब हुई थी रात में जब वह भट्टी के मंद प्रकाश में खड़ा हुआ था तो उससे गलती हो गई परंतु अब जब वह दिन के प्रकाश में उसके सामने खड़ा हुआ है तो उस पुराने परिचित को गलती से समझना कि ये उसका पुराना परिचित है ये असंभव होगा What does this mean? He thundered. Thunder वैसे बादलों की गड़गड़ाहट के लिए आता है यहां पर दहाड़ा means he said roaringly. उसने दहाड़ते हुए कहा जोर से चिंघाड़ा दहाड़ा What does this mean? इसका क्या अर्थ है क्या अभिप्राय है क्या मतलब है इसका The stranger made no attempt to dissimulate. The stranger, उस अजनबी व्यक्ति ने made no attempt, कोई प्रयास नहीं किया कोई कोशिश नहीं की to dissimulate, अपनी भावनाओं को छिपाने का उस अजनबी व्यक्ति ने अपनी भावनाओं को छिपाने का कोई प्रयत्न नहीं किया कोई कोशिश नहीं की कोई प्रयास नहीं किया ही सा एटवंस तुरंत इमीडिएटली सा मींस देखा या समझ गया उसे वह तुरंत समझ गया दैट द स्प्लेंडर हैड कम टू एन एंड स्प्लेंडर मीन्स शानो शौकत वैभव ठाट बाट वह तुरंत समझ गया कि शानो शौकत हैव कम टू एन एंड कम टू एंड मीन्स एंडेड कि शानो शौकत खत्म हो गई है समाप्त हो गई है ये बात उसके तुरंत ही समझ में इट इज नॉट माई फॉल्ट सर ही सेड उसने कहा किसने कहा अतिथि ने अजनबी व्यक्ति ने इट इज नॉट माई फॉल्ट सर श्रीमान ये मेरा दोष नहीं है मेरी गलती नहीं है फॉल्ट मीन्स मिस्टेक I never pretended to be anything but a poor trader. I never pretended. मैंने कभी बहाना नहीं किया मैंने कभी ढोंग नहीं किया to be anything कुछ भी होने का but a poor trader एक गरीब बिसाती के अलावा मैंने कुछ भी होने का कभी कोई बहाना या ढोंग नहीं किया And I pleaded and begged to be allowed to stay in the forge. And I pleaded, आग्रह किया, विनती की, begged means आग्रह किया. इन दोनों का अर्थ यहाँ पर है I requested. मैंने निवेदन किया, प्रार्थना की, कि to be allowed, कि अनुमति दी जाए, to stay इन द फोर्ज मिस्त्री खाने में ठहरने के लिए मैंने मिस्त्री खाने में ठहरने की अनुमति के लिए आग्रह किया या विनती की या प्रार्थना की वह अजनबी व्यक्ति या अतिथि कहता है कि मिस्त्री खाने में ठहरने के लिए अनुमति देने की मैंने प्रार्थना की But no harm has been done.
परंतु अभी कोई भी हानि नहीं हुई, कोई नुकसान नहीं हुआ, अभी कोई बात नहीं बिगड़ी। एट वर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई रैक्स अगेन एंड गो अवे। वो अजनबी व्यक्ति कहता है लोह व्यापारी से कहता है, एट वर्स्ट ज्यादा से ज्यादा, आई कैन पुट ऑन माई रैक्स, रैक्स मीन्स टॉर्न क्लोथ्स, अगेन मीन्स फिर, मैं अपने फटे पुराने कपड़ों को फिर से पहनूं एंड गो अवे और चला जाऊं। भाई अभी कोई ज्यादा बात खराब नहीं हुई है, बट नो हार्म हैज बीन डन, कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई हानि नहीं हुई, कोई बात नहीं बिगड़ी है, बस मैं फिर से अपने फटे पुराने कपड़े पहनूंगा और यहां से चला जाऊंगा। इस बात को वह अजनबी व्यक्ति कहता है। वेल सेड द आयरन मास्टर हेजिटेटिंग अ लिटिल। हेजिटेटिंग मीन्स संकोच करते हुए, हिचकिचाते हुए, थोड़ा सा हिचकिचाते हुए, थोड़े से असमंजस में होते हुए लोहो व्यापारी ने कहा, वेल ठीक, इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट आइदर। इसमें हम में से दोनों की भी कोई समझदारी नहीं रही। यू मस्ट एडमिट दैट, तुम्हें इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि जो कुछ भी हुआ है उसमें हम दोनों में से किसी की भी कोई समझदारी नहीं रही। इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट, कोई ईमानदारी नहीं थी आइदर हम दोनों में से किसी की भी। जो भी घटना घटी उसमें हम दोनों में से किसी ने भी कोई समझदारी नहीं दिखाई। यू मस्ट एडमिट दैट, तुम्हें इस बात को स्वीकार करना चाहिए। एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज्ड इफ द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर। एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज्ड, और मैं चकित नहीं होऊंगा, मुझे आश्चर्य नहीं होगा। किसे? लोह व्यापारी कहता है कि उसे किसी भी प्रकार का कोई आश्चर्य नहीं होगा। इफ यदि दी शेरिफ, शेरिफ कहते हैं क्षेत्र का दंड अधिकारी, यदि क्षेत्र का दंड अधिकारी वुड लाइक चाहेगा टू हैव समथिंग टू से, कुछ कहना इन द मैटर, इस मामले में, यदि इस मामले में क्षेत्र का दंड अधिकारी भी कुछ कहना चाहेगा या दोषी ठहराएगा तो मुझे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होगा। तो इस बात को स्टूडेंट्स इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, शेयर कीजिए, और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब इट। फिर मिलते हैं आपसे वीडियो नंबर 10 में। टिल देन टेक केयर, बाय।